राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर के 60वें वर्ष पर समर्पित हीरक जयंती व्याख्यान कक्ष परिसर का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा 22,380 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगभग 130 करोड़ रुपए में किया गया है। यह नवनिर्मित G+3 भवन विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक तकनीक को समाहित करते हुए बनाया गया है। इस व्याख्यान कक्ष परिसर में कुल 36 व्याख्यान कक्ष हैं, जिसमें 3 वर्चुअल क्लासरूम एवं 3 स्मार्ट क्लासरूम भी शामिल हैं। हाल ही में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में वर्चुअल क्लासरूम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कक्षा संचालित करने में रहेगा। सारे कक्षाओं में विश्व स्तरीय उच्च तकनीक जैसे ऑटोमेटिक ऑक्यूपेंसी सेंसर बेस्ड प्रकाश उपकरण, अल्ट्रा HD प्रोजेक्टर सिस्टम, स्मार्ट पोडियम इत्यादि की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय वातानुकूलित इस भवन में 160 संकाय कक्ष, कैंटीन, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी एवं एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ओपन एयर थिएटर का भी प्रावधान किया गया है। इस भवन में ग्रीन बिल्डिंग के प्रावधान जैसे कि BGU ग्लास विंडो, लो फ्लो वाटर सप्लाई फिक्स्चर्स, सोलर पावर जनरेशन सिस्टम इत्यादि को भी समाहित किया गया है। इसके अलावा भवन के बाहर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, वाहन पार्किंग क्षेत्र एवं ग्रास लॉन का भी निर्माण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्सेसिबल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों के लिए रैंप, लिफ्ट्स एवं सेपरेट टॉयलेट्स का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 3500 छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है। इस व्याख्यान कक्ष परिसर के निर्माण से निश्चित ही संस्थान के शिक्षण गतिविधियों को सुगम और कुशल बनाने में मदद मिलेगी एवं स्वाभिमान भारत के निर्माण में NIT जमशेदपुर के छात्र निश्चित ही आत्मनिर्भर बन सकेंगे।